हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसके बारे में हम आसानी से डेफिनेशन सीखेंगे, साथ ही साथ एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन भी करूंगा डेफिनेशन को। एक थ्योरम होंगे उसे भी हम प्रूफ करेंगे, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। कहते हैं लेट U, V एंड W बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। हमारे पास, हम ये मान लेते हैं कि U, V, W तीन हमारे पास वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड की रिगार्डिंग। लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इनटू V एंड H इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V इनटू W। तो ये देखिए, हमारे पास ये U, V और ये W तीन वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड F। U से V में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है वो T है, V से W में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है वो S है। तो क्या कहता है, देन द कंपोजिट फंक्शन ST कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, ठीक है, जो ST आपका जो कंपोजिट फंक्शन है उसे हम लीनियर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी बोल पाएंगे। और वो किस रूप में डिफाइन होगा, ST अल्फा इज इक्वल टू S T alpha for every alpha belongs to U is a linear transformation from U into W, okay? तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये जो डेफिनेशन है ये खुद में एक स्टेटमेंट है, और इसको चलिए हम प्रूफ भी करके देखते हैं, ठीक। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ हम क्या रखेंगे, सिंस अभी जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो T है इज अ फंक्शन फ्रॉम U into V, ये देखिए ये जो T है वो एक फंक्शन है U से V में, और S जो फंक्शन वो V से W में है, एंड S इज अ फंक्शन फ्रॉम V इनटू W, ठीक है। यानी कि अगर अल्फा का कोई अब मेंबर, अल्फा कोई मेंबर अगर U में है तो ट्रांसफॉर्मेशन के अलोंग, देखिए अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं, अगर आप अल्फा एक मेंबर यहाँ लेंगे तो इस T अल्फा आपका कहाँ जाएगा, आपका ये जो T अल्फा होगा वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा V में, ये मेंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो वही मैंने बोला कि अल्फा अगर बिलोंग करता है यू में, यानी कि टी अल्फा कहाँ जाएगा, वी में। इसका मतलब अगर टी अल्फा वी में है तो एस टी अल्फा कहाँ होगा, डब्लू में, इस फिगर के अकॉर्डिंग और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। यानी कि हम बोल सकते हैं थस एस टी अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, यानी कि एस टी इज अ फंक्शन फ्रॉम यू इनटू डब्लू। जो एस टी आपका जो कंपोजिट फंक्शन है वो कहाँ से जा रहा है, यू से डब्ल्यू में जा रहा है, ओके। अब हमें अगर प्रूफ करना है, फॉर प्रूविंग एस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू डब्ल्यू, तो हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो आइडियल कंडीशन होती है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड करके दिखानी होगी। यानी कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होना चाहिए, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि लेट A कॉमा बी बिलोंग्स टू F, जो कि फील्ड के मेंबर ले लिए मैंने दो स्केलर, एंड अल्फा कॉमा बीटा मैंने ले लिया कहाँ का, U का। तो A अल्फा प्लस B बीटा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, U में, क्योंकि आप अगर वेक्टर्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो वेक्टर ही रहता है, इसलिए वो बिलोंग कहाँ करेगा, U में। तो A अल्फा प्लस B बीटा भी बिलोंग करेगा U में। अब हम क्या करते हैं, जो कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास एस टी वो ले लेंगे, एस टी, एस टी यहाँ से आपका अल्फा का जो मेंबर हो गया हमारे पास, ए अल्फा प्लस बी बीटा, वो ले लेंगे हम यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है हमारे पास एस टी के, उससे खुल जाएगा, एस बाहर आ जाता है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ एस टी। अब हमें पता है टी हमारे पास क्या है, टी हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उससे हम खोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, क्योंकि टी हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टार्टिंग पे हमने मान रखा है डेफिनेशन में। अब एस भी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अंदर इसको भी उस फॉर्मूले से हम खोल सकते हैं। ये स्केलर है, ये वेक्टर का काम करेगा, ये स्केलर है, ये वेक्टर का काम करेगा, तो खोल दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, ए एस टी अल्फा प्लस बी एस टी बीटा, ये आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एस आपका क्या है,
लीनियर ट्रांसमिशन है। अगर ढंग से देखा जाए तो हमें क्या मिल गया है, ए एस टी अल्फा प्लस बी एस टी बीटा। लेकिन हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे एस टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। हमें क्या मिल गया, ए एस टी अल्फा प्लस बी एस टी बीटा। यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो आइडियल कंडीशन होती है वो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो आप क्या बोल देंगे, हैंस एस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, ठीक। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना मेरे से। चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन जो बोल लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेट टी वन एंड टी टू बी लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड एज फॉलोज। किस रूप में डिफाइन है, कि टी वन एक्स वन कॉमा एक्स टू किसके बराबर है, एक्स टू कॉमा एक्स वन के। और जो हमारा दूसरा है टी टू एक्स वन एक्स टू वो किसके बराबर है, एक्स वन कॉमा एक्स जीरो। तो हमें ये शो करना है, शो दैट कि टी वन टी टू यानी कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हम प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, टी वन टी टू बराबर नहीं है टी टू टी वन। ये हमें शो करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ले लिया हमने टी वन टी टू, हमें एक मेंबर चाहिए होता है एक्स वन एक्स टू जो कि बिलोंग करेगा, जो एक्स वन जो एक्स टू है ना मेंबर, वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा आर स्क्वायर में, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो टी वन टी टू एक्स वन एक्स टू ले लेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ टू मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन अभी हमने देखा है, टी वन बाहर आ जाएगा टी टू एक्स वन एक्स टू हो जाएगा। और टी टू एक्स वन एक्स टू क्या कहती है कि एक्स वन का प्लेस पे तो एक्स वन ही होगा लेकिन एक्स टू के प्लेस पे क्या हो जाएगा, जीरो। सो बाई डेफिनेशन ऑफ टी टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वन के प्लेस पे एक्स वन और एक्स टू के प्लेस पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या है, टी वन है, टी वन एक्स वन जीरो, और टी वन एक्स वन एक्स टू की डेफिनेशन क्वेश्चन में जो दे रखा वो क्या कहती है कि जो वाई कोऑर्डिनेट एक्स हो जाता है और एक्स कोऑर्डिनेट वाई हो जाता है। तो ये जो जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और एक्स वन वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बाई डेफिनेशन ऑफ टी वन। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली अब हम निकालेंगे टी टू टी वन एक्स वन एक्स टू में। तो टी टू टी वन के लिए अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज़ करेंगे। तो टी टू बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा टी वन एक्स वन कॉमा एक्स टू बाई डेफिनेशन ऑफ टी टू टी वन। तो टी वन एक्स वन एक्स टू क्या कहता है कि एक्स जो वाई का कोऑर्डिनेट हो वो एक्स में आ जाना है और एक्स का कोऑर्डिनेट वाई में आ जाना है। तो वो कर दिया हमने। अब टी टू ले यहाँ पर बचा। अब टी टू की डेफिनेशन से फिर खोल लीजिए। टी टू क्या कहता है कि आपको क्वेश्चन में कि एक्स टू के प्लेस पे तो एक्स टू ही रहेगा, मतलब एक्स के प्लेस पे जो है वही रहेगा और वाई के प्लेस पे जो है वो जीरो हो जाना है, कर दिया। अब देख लेते हैं क्या आया हमें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, पहला इक्वेशन हमें क्या मिला था, जीरो एक्स वन, और दूसरा हमें मिला है एक्स टू कॉमा जीरो। तो देख लीजिए जीरो कॉमा एक्स वन और यहाँ है एक्स टू कॉमा जीरो। क्लियरली ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, तो आप बोल देंगे दस टी वन टी टू डज नॉट इक्वल टी टू टी वन। तो ये सिंपल से एक प्रश्न था, हमने बड़ी आसानी के साथ कर लिया है। तो आई होप ये जो टॉपिक था मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल आपने प्रेस कर किया हुआ है, क्योंकि अगर वो प्रेस नहीं करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।